हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा फार्मूला जो आपकी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा और इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। चाहे आपका फेस हो, बॉडी हो या फटी हुई एड़ियाँ, सभी प्रॉब्लम के लिए ये एक ही चीज़ काफ़ी है। आप यूज करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट कितना अमेजिंग है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। फ्रेंड्स, फर्स्ट दिन से ही इसका रिजल्ट दिखने लगता है और आपकी स्किन की ड्राइनेस या फटी हुई एड़ियों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। आप इसे किसी भी मौसम में यूज कर सकते हैं। अगर आपके हाथों की स्किन ड्राई हो गई है या फिर आपकी आपके पैरों में रिंकल्स आ गए हैं, हाथों में रिंकल्स आ गए हैं, तो वो इस लोशन से चले जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी मौसम में यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, विंटर के लिए तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। विंटर में लगाने पर आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी और आपकी फटी हुई एड़ियाँ मुलायम हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है और इसे कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमें इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए ये ग्लिसरीन की सीसी और ये रोज वाटर। फ्रेंड्स, ये दो चीज़ें हैं जिसे हम मिक्स करके पूरे सीजन में, चाहे वो कोई भी वेदर हो, हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन विंटर के लिए तो ये बेस्ट है। ये देखिए, ये रोज वाटर है और ये ग्लिसरीन। फ्रेंड्स, आप ये ग्लिसरीन की बॉटल किसी भी मेडिकल शॉप से ले सकते हैं या फिर कॉस्मेटिक्स की शॉप से। फ्रेंड्स, ग्लिसरीन कई तरह की होती है, ये वाली स्किन के लिए बेस्ट होती है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप मेडिकल शॉप से ही लें। अब फ्रेंड्स, इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमें खाली बॉटल चाहिए इस तरह की, चाहे वो किसी चीज़ की भी बॉटल हो सकती है या फिर इस स्प्रे करने वाली बॉटल, या फिर हम इसे ऐसे खोलकर भी इसमें डाल सकते हैं। इस टाइप की बॉटल होगी ना, और इसका जो होल है वो छोटा होगा, तो आपको फिर इसको निकालने में आसानी होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो रोज वाटर है और ग्लिसरीन है, इसको हमें क्या करना है, इस टाइप की बॉटल में बॉटल के हाफ़ में ग्लिसरीन डालना है और जो हाफ़ है उसमें रोज़ वाटर डालना है। इन्हें दोनों हाफ़ हाफ़ लेना है। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर विंटर में कोई भी मॉइस्चराइजर काम नहीं करता है, तो उसमें रोज़ वाटर थोड़ा कम लेंगे और ग्लिसरीन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे। और इसको बना करके, इस बॉटल में भर के, हम पूरे हर मंथ या फिर जब भी हम यूज करना चाहें उसे कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। इस टाइप की बॉटल में आप रख लेंगे तो ऐसे करके खोल के और हाथों में लेकर के लगा लेना है। देखिए, मेरी रोज़ वाटर थोड़ी सी बची हुई है और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ग्लिसरीन मंगाया है और ये पहले से मैं बना कर रखी हूँ, जो मैं डेली यूज करती हूँ। आप इसे एक बार यूज करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट कितना अमेजिंग है। फ्रेंड्स, आप यूज करके देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।